गांव से लेकर शहर तक हर खबर पहुंचेगी। अब आप तक देखते रहिए यूपी अब तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को दबाएं। नए वर्ष के पहले दिन यानी 1 जनवरी को सिसवां बाजार में मनाया जा रहा यह महोत्सव वास्तव में दर्शकों का मन मोह लिया। इस महोत्सव में भोजपुरी फिल्मों के कलाकारों की प्रस्तुति देखने लायक थी। चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट ने माहौल को और खुशनुमा बना दिया। 1 जनवरी को मनाए गए सिसवां महोत्सव का शुभारंभ सिसवां ई स्टेट के मानवेंद्र सिंह जी द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप जलाने के बाद फीता काट कर किया गया। इस महोत्सव में दर्जनों स्कूलों के साथ क्षेत्रीय कलाकारों ने एकल डांस, ग्रुप डांस व सामाजिक मुद्दों पर नाट्य प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। महोत्सव में हजारों की भीड़ मौजूद रही। क्षेत्र के सम्मानित लोगों के साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। महोत्सव के दौरान ही जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक सहित तमाम अन्य अधिकारी भी पहुंचे और महोत्सव में हो रहे कार्यक्रमों का आनंद भी लिया। इस दौरान महोत्सव में आए जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को सिसवां विकास समिति द्वारा सम्मानित भी किया गया। इसके बाद फिल्मी दुनिया के कलाकारों को भी इन अधिकारियों के हाथों सम्मानित किया गया। इस महोत्सव में छोटे छोटे बच्चों व बच्चियों द्वारा की जा रही प्रस्तुति इतनी सुंदर थी कि दर्शक अंतिम क्षणों तक बैठे रहे। वहीं फिल्मी कलाकार भी तालियां बजाने को मजबूर हो गए। बीच में बादशाह प्रेमी के हास्य कवि का भी जमकर दर्शकों ने आनंद लिया, तो बतासा चाचा के नाम से चर्चित मनोज टाइगर के जली और डोरा की प्रेम कहानी पर किया गया नाट्य मंचन तो मानो सबका मन मोह लिया। इस महोत्सव में सिसवां विकास समिति द्वारा तमाम हस्तियों को भी सम्मानित किया गया, तो दूसरी तरफ फिल्मी दुनिया के आए कलाकारों ने भी सिसवां महोत्सव की जमकर तारीफ करते हुए सिसवां विकास समिति को धन्यवाद दिया। मैं मनोज सिंह टाइगर और आप लोगों का प्यारा बतासा चाचा हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। मैं ये कहने आया हूं कि भोजपुरी की सभ्यता और संस्कृति पूरे देश की सभ्यता और संस्कृति का कहीं ना कहीं नेतृत्व तो करती है। कुछ सिंगरों पर आरोप है कि गंदा गाना गाते हैं, रोकिए उसको। इस मंच के माध्यम से मैं जहां जाता हूं एक बात कहता हूं कि हमें वो गाना ना गाना है ना हमें वो गाना सुनना है जिसे सुनकर हमारी नजरें झुक जाए। मैं गलत कह रहा हूं? जो आपने हमें इस लायक समझा, इस मंच के लायक समझा, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के टैलेंट्स को देख के। स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, फीमेल यंगस्टर्स, औरतें, वो जब आगे बढ़ती है तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग के सिसवां महोत्सव का 9वां साल है और हम सबको बुलाया गया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद अमित अंजन जी का, अमित श्रीवास्तव जी का, और जिनका मैं नाम बोल रही हूँ सभी से मैं क्षमा चाहती हूँ। थैंक यू सो मच आप लोगों से रूबरू कराने के लिए, बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा ये लगा कि महिलाएं बहुत कम शोज में आती है, यहाँ सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो महिलाओं की है, बच्चों की है, तो